हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी गणित की वर्कशीट नंबर 1 कक्षा 6 के लिए और तिथि है 8 सितंबर 2020। और आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं की जानकारी। तो हम संख्याओं के बारे में पहले ही बहुत कुछ सीख चुके हैं, आज हम उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। गिनतारा याद है? गिनतारा क्या है हमारा? अबेकस, याद आया अबेकस, जिसमें हम मोती डालते हैं। ये हमारा इकाई के लिए, ये दहाई के लिए और ये सैकड़े के लिए। अब इकाई के वाले जो तार है उसमें हमारे पास 8 मोती हैं, तो हमने इकाई पे लिख दिया 8। दहाई यानी 10 वाले में हैं कितने मोती? 5, तो दहाई के नीचे आ गया 5। और सैकड़े वाले जो है हमारा तार, उसमें 6 मोती यानी सैकड़े के नीचे आ गया 6। तो अब हम चाहें तो संख्या से गिनतारा दिखा सकते हैं और गिनतारे में जो संख्या दिखाई है उसे हम संख्या रूप में लिख भी सकते हैं। अब यहाँ क्या है, गिनतारा की मदद से संख्याओं को दर्शाएं, यानी 325 अगर है तो हम उसे गिनतारा में कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम गिनतारा बना लेते हैं। ये हमारा गिनतारा, ये हमारी 3 तार लगा दिए, ये हमारा इकाई का, ये हमारा दहाई का और ये है सैकड़ा। अब यहाँ हम संख्या के ऊपर लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। और ये ध्यान है ना, हमें हम हमेशा सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ बढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा सीधे से उल्टे हाथ की तरफ लिखते हैं। तो अब इकाई में कितने हैं? 5, यानी हमें 5 मोती, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मोती डाल लिए। दहाई पे 2, यानी 1, 2। और सैकड़े पे कितने हैं? 3, 1, 2 और ये हो गया 3। तो हमने गिनतारा पे दर्शा दिया। ऐसे ही आपको 198 और 231 के लिए गिनतारा बनाना है और मोती डालने हैं और रंग भी भर सकते हैं आप इसमें। तो ये दोनों प्रश्न आप खुद हल करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्या है। आगे है हमारे पास एक क्रियाविधि कि 759 रुपये अगर हमें दर्शाने हैं और 100 का नोट यूज़ करना है, 10 का और 1 का, तो हमें कितने नोट चाहिए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इकाई, दहाई और सैकड़ा है, इसकी जगह इकाई का मतलब 1, तो हम इसे मान लेते हैं ये 1 रुपया। दहाई यानी 10, तो 10 रुपया। और सैकड़ा यानी 100, तो 100 रुपये। तो अब हमें कितने चाहिए? 759। तो 700, इस पर भी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख लेते हैं। तो हमें 100 के कितने नोट चाहिए यहाँ पर? 7। दहाई यानी 10 के नोट 5 और इकाई यानी 1 के नोट 9। तो 7 के नोट हो गए, 7 नोट हो गए 100 रुपये के, 5 नोट हो गए 10-10 के और 9 नोट हो गए 1-1 रुपये वाले। तो हमारा पूरा हो गया कितना, 749 नहीं, हमने तो 759 किया है ना, तो यहाँ करेक्शन कर लेना, ये 759 है और यहाँ पर 5 नोट 10 रुपये के हुए, तो 50 नोट और ये आ गया 9-1। यानी 7 × 100, क्योंकि 7 नोट है 100 रुपये के, 5 × 10, 5 नोट है 10 रुपये के, जमा 9 × 1, 9 नोट हैं 1 रुपये के। तो हमें मिल गया 700 + 50 + 9 और जोड़ देंगे तो वापस हमें 759 रुपये मिल गए। अब इसी प्रकार हमें इन सवालों को हल करना है। अब 586, तो सबसे पहला काम इनके ऊपर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हमने लिख लिया। अब हमें पता है इकाई यानी 1 का नोट, दहाई यानी 10 का नोट और सैकड़ा यानी 100 का नोट। तो अब इसमें 100 के नोट कितने हैं? तो सैकड़े पे देखें 5, 10 के नोट यानी दहाई पे देखें 8 और 1 के नोट यानी 6। फिर 470 में 400 के नोट हैं, 7 10 के नोट हैं और 1 का तो कोई भी नोट नहीं है यानी 0। फिर 107 में 100 का 1 नोट, 10 का कोई नोट है नहीं तो 0 और 1 का नोट है 7। 850 में उसी प्रकार 8 हैं 100 के नोट, 5 हैं 10 के नोट और 1 रुपये के कितने नोट हैं जल्दी बताओ? है ही नहीं, तो ये हो गए 0। आप देखें आगे क्या है। तो वर्कशीट बहुत मज़ेदार है,
आगे है अंक 3, 5, 7, और 8 की मदद से 2 अंकों, 3 अंकों और 4 अंकों की संख्याएं बनाइए, यानी हमें अपनी मर्जी से संख्या बनानी है। 2 अंक यानी सिर्फ 2 अंक लेने हैं। तो मैं पहले 3 और 5 से बना लिया मैंने 35, अब मैं बना लेती हूँ 5 और 7 से 57 और 7, 8 से 78, और इसके अलावा क्या बना सकते हैं, 73 बना सकते हैं, 87 बना सकते हैं, 85 बना सकते हैं, 58 बना सकते हैं, 75 बना सकते हैं। अरे संख्याएं तो ख़त्म ही नहीं हो रही, यानी हम 2 अंकों की बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। इसके अलावा आप जितनी संख्याएं सोच सकते हो बनाना इसमें। अब 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं के लिए हम क्या क्या करें, हम पहली संख्या बना लेते हैं चलो 3, 7 और 8 को लेके 378, अब ले लिया 8, 7 और 3 को लेके 873, अब बना लेते हैं 7, 3, 8, 738, अब 7, 8, 3, 783, और अभी तो मैं सिर्फ 3, 7 और 8 का प्रयोग कर रही हूँ। इसी तरह 5 का प्रयोग करके भी तो संख्या बन सकती है, 583 है ना, 385, 853, यानी यहाँ भी बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं, और वो संख्याएं ढूंढ के लिखना आप कितनी बना सकते हो देखते हैं। अब आई बारी 4 अंकों की संख्याओं की, तो 4 अंकों की संख्याएं बनाएं। पहली संख्या हम बना लेते हैं 3, 5, 7, 8 यानी 3578, अब 3, 7, 8, 5 3785, 7, 8, 5, 3 7853, 8, 5, 3, 7 8537, और इसी प्रकार आगे भी आप बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं, बस अंकों का स्थान बदल रहे हैं, देख रहे हो, सिर्फ अंकों का स्थान। यहाँ पर 5 यहाँ बैठा है, यहाँ 5 इकाई पे पहुँच गया, तो अंकों का स्थान बदलने से ही हमें कई तरह की संख्याएं, इतनी सारी संख्याएं मिल जाती हैं। तो अब बनाइएगा, देखें कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है, बूझो तो जाने। अगर हमारा दहाई अंक 5 हो तो अंक 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 की मदद से 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। अब यानी 5 तो फिक्स कर दिया कि दहाई पे सिर्फ 5 ही रहेगा, उसके अलावा बाकी जगह आप दूसरे अंकों से भर सकते हैं। ये तो बहुत मज़ेदार है, भरना शुरू करें। यहाँ मैं रख देती हूँ 6, यहाँ रख दिया 3, ये 2, संख्या बन गई मेरी 6352। अब मैं यहाँ 9 रख देती हूँ, यहाँ 8 और यहाँ 7, तो संख्या बन गई 9857। अब की बार क्या करूँ, अब की बार मैं 3 यहाँ ले लेती हूँ, 6 यहाँ लेती हूँ और 7 को यहाँ ले लेती हूँ, तो ये बन गई 3657। और अभी तो और भी संख्याएं बना सकते हैं हम, तो और भी संख्याएं बनाइए, इसमें कम से कम 10 संख्याएं आप बना सकते हो, तो 10 संख्याएं इसके नीचे और बनाइए, वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।